हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सेट से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कब कहलाती है और उसके लिए क्या कंडीशन होती है। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ गया, ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है, ए कोई सेट है, वो दे रखा है 1 2 3, ठीक है दोस्तों, और बी आपको दे रखा है 3 4 5, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए ये फाइंड आउट करो। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं, ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसको क्या रीड करते हैं, ये बीच में है, इसको बोलते हैं यूनियन। मुझे फाइंड आउट करनी है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट की जाती है, आइए देखते हैं। हाँ जी, ये सेट ब्रैकेट लिखी, ए यूनियन बी में हम करते क्या है, जो ए के एलिमेंट है वो सारे लिख दो। ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, हाँ जी, और बी के एलिमेंट है वो सारे लिख दो, बट जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब क्या इसका, जैसे यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट 1 2 3 लिखे, ठीक है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 मैंने लिख दिया, तो उसके बाद क्या रहेगा बी में, 4 5, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट लिख दो, वो क्या कहलाती है मेरी, ए यूनियन बी, ठीक है, बट लेटर क्या रिपीट नहीं होना चाहिए, जैसे 3 यहाँ भी था 3 यहाँ भी था, 3 एक ही लिखना है दोनों के लिए, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे ए कोई सेट है मेरा 1 2, ठीक है दोस्तों, और बी क्या है 4 5, अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी फाइंड आउट करो, तो सिंपली क्या करना है, ए के एलिमेंट लिख दो और बी के एलिमेंट लिख दो, ये क्या हो गया मेरा ए यूनियन बी। इस तरह से आप यूनियन से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं। ए क्या दे रखा है, ए इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। सबसे पहले मुझे सेट ए लिखना आना चाहिए, मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कैसे लिखेंगे, सेट ए में किस तरह के एलिमेंट हैं बताया उसने, हाँ जी, इवन नेचुरल नंबर 10 से छोटे, हाँ जी 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 2 होता है 4 होता है 6 होता है 8, हाँ जी यही होते हैं 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद बी देखते हैं, बी सेट क्या है मेरा, बी इज ए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ओड नंबर कौन से होते हैं नेचुरल, 1 3 5 7 और 9, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। अब इनका ए यूनियन बी फाइंड आउट कर दो, ए यूनियन बी क्या है, सारे एलिमेंट लिख दो, ए में क्या है 2 4 6 8, हाँ जी बी वाले सारे लिख दो, पर रिपीट ना होनी चाहिए, यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं हो रही, तो ये क्या आ गया मेरे पास ए यूनियन बी। इस तरह से आप ए यूनियन बी निकाल सकते हो। आइए अब इंटरसेक्शन समझते हैं क्या होता है। जैसे ए मुझे सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, बी सेट दे रखा है मुझे 3 4 5 6, मुझे फाइंड आउट करना है ए, इसको रीड करते हैं हम इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, करना क्या है मुझे, हाँ जी, जो ए सेट है और बी सेट है इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों में कॉमन है, कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, यहाँ लिख दो, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, यहाँ लिख दो, तो ये आ गया मेरा इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए आ गया मेरे पास 1 2, ठीक है, और बी आ गया 3 4, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेक्शन बी, हाँ जी यहाँ पे इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे, ठीक है, और मैंने आपको बताया था या तो इसको ऐसे लिखते हैं या इसको ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या एक एम्प्टी सेट है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए है मेरे पास ए आई ई और बी है मेरे पास आई ई ओ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो इसका इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, आई यहाँ भी है यहाँ ई यहाँ भी है यहाँ, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन है ए क्या, ए सेट क्या है मेरा, ए इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, यानी कि उसमें इवन नंबर है नेचुरल नंबर और 10 से छोटे, तो ए सेट क्या आ जाएगा, ऐसे, तो 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है दोस्तों, 10 से छोटे। और बी सेट क्या है मेरा, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 और 9, ये 3 है, 1 3 5 7 9, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी मैं बता के हूँ इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट, हाँ जी यहाँ पे दोनों में कॉमन है नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी क्या देगा, एम्प्टी सेट, या तो ऐसे या ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इंटरसेक्शन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ़ यू इज इक्वल टू
1 2 3 4 5, ठीक है, एंड ए ये दे रखा है और मुझे फाइंड ए डैश करना है। आइए एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ यू इज इक्वल टू ये दे रखा है मुझे एंड ए ये दे रखा है, फाइंड मुझे करना है ए डैश। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी क्वेश्चन में हमें ए डैश फाइंड आउट करना होगा या बी दे रखा होगा बी डैश फाइंड आउट करना होगा तो हमें क्वेश्चन में यू पक्का दिया होगा। अब ये यू क्या होता है, ठीक है, इस यू को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आपको यू में और इस यू में कन्फ्यूज नहीं होना है। ये तो था यूनियन, ये हमेशा स्मॉल में होता है ऐसा, और ये हमेशा डार्क होगा और थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और जहाँ भी ए डैश फाइंड आउट करना होगा ना तो डेफिनेटली दिया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं ए डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें ए दिया है, ठीक है, ए क्या दिया मुझे और हमें चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो राइट ऑप्शन क्या है, आइए देखते हैं। हमें ए दिया, क्या दिया हमें 1 2, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है ए डैश। ठीक है दोस्तों, ए डैश क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट ये है ना, इसमें ए ए क्या 1 2 को छोड़कर और जितने एलिमेंट बच गए वो सारे क्या आ जाएंगे मेरे ए डैश। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया मेरा ए डैश, और 3 4 5 क्या है तो बी, तो बी क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरह से आप इस ए डैश को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, इस डैश को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट यही है मेरा, ठीक है, और बी मुझे यहाँ पे अब सेट बी है और ये 1 दिया होता और मैं आपसे पूछूं फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में 1 को छोड़कर सारे जितने रह गए 2 3 4 5। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे बी सेट है वो मेरा 1 2 3 4 5 दिया होता और मैं आपसे पूछूं बी कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, जितने बी में एलिमेंट है वो सारे यू में एलिमेंट है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या जाएगा एम्प्टी सेट, या ऐसे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पता चला होगा बी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा तो हमें यूनिवर्सल सेट डेफिनेटली दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं, आइए और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मुझे ए सेट दे रखे 1 2 3 और बी सेट दे रखे 3 4 5, फाइंड करना है मुझे ए माइनस बी, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल, मुझे ए में से बी माइनस करना है। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, हाँ जी, ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, बी में एलिमेंट क्या है 3 3 4 5, ठीक है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 3 है। ठीक है, इसको छोड़ दो और ए के सारे एलिमेंट लिख दो 1 2, ठीक है, करना क्या एक बार दोबारा बता देता हूँ, ए में एलिमेंट 1 2 3 थे, हाँ जी, ए में से बी माइनस करना है, हाँ जी, ए और बी में क्या कॉमन एलिमेंट था 3 था, 3 को छोड़ दिया और जो रह गया वो मेरा ए माइनस बी आ गया। ठीक है, बी माइनस ए निकाल के देखते हैं फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बी माइनस ए, हाँ जी, अब बी को आगे रखना है, बी में से ए माइनस करना है, बी में से ए माइनस करना है, हाँ जी, बी और ए में क्या कॉमन एलिमेंट है 3, 3 को छोड़ दो और बी के सारे एलिमेंट लिख दो जो आगे रहेगा दोस्तों, ठीक है, उसी के एलिमेंट लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ए आगे था, ठीक है, ए और बी में मैंने देखा कॉमन क्या था 3 था, ठीक है, इसको छोड़ दिया, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए और जो बच गए, ठीक है, जब बी माइनस ए तो मैंने बी और ए में कॉमन देखा 3 था, उसके बी को छोड़ दिया और सारे एलिमेंट लिख दिए, ये ए माइनस बी, ऐसे बी माइनस ए फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आएगा भी ए माइनस बी और बी माइनस ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए सेट है कोई मेरा ए आई ए ओ यू, ठीक है दोस्तों, बी है मेरा, बी सेट है मेरा आई ओ यू, ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी, हाँ जी, ए माइनस बी क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया ए को आगे रखना है, ए को आगे रखना है ना, ए में से बी माइनस करना है, ए और बी में कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, आई है, आई है, आई इधर है, ओ है, ओ बी है, यू है, यू बी है, हाँ जी, और ए में क्या क्या रह गया, ए रह गया और ई रह गया, तो ये ए माइनस बी आ गया, ए माइनस बी। आई होप आपको समझ आएगा भी, दो सेट हैं इसमें ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनका डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करता है, वो टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है, मुझे इफ यू दिया है, मुझे यूनिवर्सल सेट दिया है जो 1 से लेकर 10 तक दिया है। ठीक है दोस्तों, मुझे ए ये दे रखा है और बी ये दे रखा है, मुझे फाइंड आउट करना है, पहले मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, जो ए यूनियन बी फाइंड आउट करके आएगा उसका क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ए और बी में एलिमेंट है वो सारे क्या यहाँ पे लिख दो, बट एलिमेंट क्या रिपीट नहीं होने चाहिए, ये ए यूनियन बी आ गया,
ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या करना है, मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। अब मैंने आपको बोला जब भी कॉम्प्लीमेंट फाइंडर करता हूँ डेफिनेटली मुझे यूनिवर्सल सेट दिया जाता है, यूनिवर्सल सेट ये रहा गिवन। ठीक है, आइए इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंडर करते हैं, यहीं पे कर दूँ, यहाँ पे कर देते हैं ए यून बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा इसको कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट में बोला था जो इस सेट में इसको छोड़ के सारे लिख दो। हाँ जी, ये है सेट में, इनको छोड़ के जो रह गए 7, 8, 9, 10, तो ये क्या आ गया मेरे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा सकता है। क्या आ जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँ, ए और बी का क्या फाइंडर करूँ, इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन कैसे फाइंडर करते हैं, मैंने आपको बताया था दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या फाइव, यानी कि एम्प्टी सेट है। ठीक, तो इंटरसेक्शन बी का आ गया मेरा एम्प्टी सेट। ठीक है दोस्तों, इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट आ गया, और मुझे इसका क्या फाइंडर करना है, इंटरसेक्शन बी का क्या फाइंडर करो, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला था, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट थे यूनिवर्सल सेट में उनको छोड़कर जो सभी रह गए वो क्या थे, मेरे कॉम्प्लीमेंट थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे तो कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो इसके अलावा तो सभी मेरे क्या यूनियन सेट में पड़े हैं, तो 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया मेरा कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपसे ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए, ए माइनस बी कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। हाँ जी, ए में से बी माइनस करना है, ए और बी में पहले कॉमन देखो क्या है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, उसके बाद क्या एक एलिमेंट लिख दो सारे 1, 2, 3। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दोनों में कॉमन होता कोई, मान लो यहाँ पे 3 भी होता। हाँ जी, फिर ए और बी में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, फिर 3 को छोड़ दो जो ए में रह गया 1, 2। ठीक है, पर यहाँ पे ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, ए और बी में पहले कॉमन देखा कुछ भी कॉमन था, उसके बाद ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। ठीक है, 1, 2, 3। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट पता ही आपको, ए माइनस बी यूनिवर्सल सेट में देखो, ए माइनस बी के एलिमेंट को छोड़कर जो सारे रह गए 4 से लेकर 10 तक, वो क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सारे क्या आ गए, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको किसी भी दो सेट का यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, उनका डिफरेंस और किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लिया जाता है समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।